देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि ये लेंस कौन सा है, तो क्या लिखेंगे, इन कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ये हम अपने सुविधा के लिए करते हैं ताकि बाद में परेशानी ना हो, कन्वेक्स लेंस। अब गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट का हाइट, तो एच वन लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट एच वन 5 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद क्या है, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो u गिवन है ना, u 25 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा माइनस होता है, और क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है कन्वर्जिंग लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, पता है। अब पोजीशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, तो v निकालना है हमें, v इज इक्वल्स टू व्हाट, m इज इक्वल्स टू व्हाट, और सुविधा हो तो H2 भी निकाल लीजिए। चलिए इतना कुछ डेटा गिवन है, अब हम लोग यूज करते हैं लेंथ इक्वेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम लेंथ इक्वेशन, लेंथ इक्वेशन, फ्रॉम लेंथ इक्वेशन, क्या है लेंथ इक्वेशन, 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, 1 बाय एफ गिवन है तो 1 बाय 10 लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू 1 बाय वी पता नहीं, माइनस 1 by, और u का वैल्यू जो है वो माइनस 25, 1 by 10 is equals to 1 by v, अब देखिए माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा 1 by 25, अब 25 को इधर लेके आ जाइए, 1 by 10 minus 1 by 25 is equals to 1 by v, ये किया हमने, अब LCM ले लीजिए, 1 by v is equals to 25 और 10 का जो LCM होगा वो होगा 50, 10 pi जा, तो 5 minus 25 into 2, तो 2, 1 by v is equals to 3 by 50, अब reciprocal कर दीजिए दोनों साइड, v को ऊपर, 1 को नीचे, 50 को ऊपर, 3 को नीचे, तो ये 50 by 3 हो जाएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, divide कर दीजिए, कितना होगा, 3 1 जा 3, ये 2, 3 6 जा, 16.667 सेंटीमीटर जो है उसका पोजीशन होगा, मतलब इमेज जो है 16, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ही है कि वो लेंस के राइट साइड में बन रहा है। उसके बाद साइज के बारे में बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू v by u, ये फॉर्मूला है हमारा लेंस का, v by u, v का वैल्यू देखिए कितना है 50 by 3, और u का वैल्यू जो है वो कितना है -25। अब इससे क्या करिए, इसको 2 टाइम -2 by 3 0.666 m। अभी देखिए ये जो है मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज जो है वो छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से या बड़ा बन रहा है, माइनस में आया है तो कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे है, इफ यहाँ पे प्रॉपर्टी है ऐसा, इफ एम लेस देन वन, तो क्या लिखते हैं, इमेज इज डिमिनिस्ड, छोटा बन रहा है, और एक और बात है m is negative, जब m negative आ जाए तो आप समझ लीजिए कि इमेज जो है वो कैसा बनेगा, बताइए, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, इतना आ गया हमारा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि रे डायग्राम भी ड्रॉ करिए, तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए छोटा सा मैं कर रहा हूँ,
देखिए एक अनबायजिंग लेंस बना दिया, बहुत छोटा में कर रहा हूँ, आप थोड़ा बड़े में करिए। ऐसा वो है हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। एच वन हमें पता है लेकिन एच टू नहीं पता है। एच वन क्या है हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट है, लेकिन एच टू अगर हमें पता होता तो हम लोग इमेज के हाइट के बारे में कुछ बोल सकते थे। तो नहीं पता है तो चलिए फाइंड करते हैं, तो वो भी फाइंड हो जाएगा। एम इज इक्वल्स टू वी बाय यू इज इक्वल्स टू एच टू बाय एच वन। हमें निकालना है एच टू, एच टू मीन्स हाइट ऑफ इमेज, v by u into h1 ये होता है। v v का जो वैल्यू है वो कितना है, देखिए v का वैल्यू आया है 50/3, u का वैल्यू -25, h1 जो है वो है 5। और देखिए 25 टू टाइम ये 10/3, 3.33। रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक लेंस बना दीजिए, जो भी लेंस बोल रहा है। कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है तो चलिए कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर हाइट का है, तो चलिए 5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का। लाइट रे यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आया। ए बी एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये जो कि छोटा है 3.33 सेंटीमीटर का है, छोटा है थोड़ा सा, उससे छोटा है, ये बना दिया। यहाँ पे माइनस साइन इसीलिए लगा होता है कि इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड बन रहा है, ए डैश बी डैश ये हमारा। आप डेटा की बात अगर करेंगे तो ए और ओ, ए ओ क्या है, यू है 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। चलिए ए डैश जो है यहाँ से लेंस से लेके ये जहाँ पे इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, वो हमारा इमेज डिस्टेंस होता है जो कि हमने कैलकुलेट किया था 50 बाई 3 था, कितना था बताइए जरा, 50 बाय 3 था सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन कन्वेंशन जो है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वो हमें अलाउ करता है कि राइट हैंड के सारे डिस्टेंसेस जो है वो पॉजिटिव लेने के लिए, जबकि लेफ्ट हैंड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लेने के लिए। फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का सारा हाइट जो है वो पॉजिटिव लेने के लिए, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का सारा हाइट नेगेटिव लेने के लिए। फिर रे आया यहाँ से, पैरेलल प्रॉपर्टी है हमारा। फिर कोई रे अगर पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी लेंस पे, मतलब कि किस लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे अगर आएगा तो कन्वर्ज होगा, और अगर कॉनकेव लेंस पे आएगा तो वो डाइवर्ज होता है। तो यहाँ पे कन्वर्ज हो गया यहाँ पे। अब जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होके पहली बार प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलता है वो हमारा फोकल रहता है, ये रहता है एफ। खैर ये हमें तो पता है पहले से ही, ये हमारा हो गया डायग्राम। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व होता है, नोट करिए इसको।